एक किसान था जिसका नाम रामदास था। वह बहुत आलसी था। वह ना तो अपने खेत देखने जाता, ना ही खलियान। अपने गाय भैंसों की भी खोज खबर नहीं लेता था। वह अपने घर के सामान की भी देखभाल नहीं करता था। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस्य के कारण सारे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त था। एक दिन रामदास का मित्र गोपाल उससे मिलने आया। उसने जब घर का कुप्रंत देखा तो समझ गया कि समझाने से आलसी रामदास समझने वाला नहीं है। उसने रामदास की भलाई करने का उद्देश्य से उसने कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी परेशानी दूर करने का एक उपाय मैं जानता हूँ। रामदास बोला, वह उपाय क्या है मुझे बताओ, मैं उसे जरूर करूँगा। गोपाल बोला, सब पक्षियों के जागने से पहले एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब कहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसे फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। रामदास बोला, मैं उस हंस को जरूर ढूंढकर उसके दर्शन करूँगा। गोपाल चला गया। रामदास बड़े सवेरे उठा और हंस की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वह खलियान में गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से एक पोटली में गेहूँ बांध कर ले जा रहा था। रामदास को देखकर उसने गेहूँ वापस ढेर में डाल दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद वह गौशाला गया। वहाँ का ग्वाला गाय का दूध दुहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके वह फिर हंस की खोज में निकल पड़ा और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर नहीं आए थे। वह वहाँ रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने के लिए लताड़ा और आगे से समय पर आने का हिदायत दी। इस प्रकार वह जहाँ भी गया वहीं उसकी कोई ना कोई हानि रुक गई। सफ़ेद हंस की खोज में रामदास हर दिन सुबह उठने और घूमने लगा। अब उसके नौकर समय पर आकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था अब 25 मन अन्न मिलने लगा। गौशाला से दूध भी अधिक आने लगा। इस प्रकार काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन गोपाल रामदास के घर आया। रामदास ने उससे कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में जाने से मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। गोपाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम ही सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम नहीं करता वह हानि उठाता है, और जो परिश्रम करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलसी ना रहे, इससे आपके ही कहीं ना कहीं हानि अवश्य होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई? समझ गए दादाजी।